तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फटाफट में। तो आज की डेट में यूपी स्कॉलरशिप को लेकर एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ रही है। ओबीसी जनरल एससी माइनॉरिटी सभी लोगों के लिए कि उनका पैसा 2023-24 वाला दोबारा से भेजा जाएगा जिनका नहीं आया है। तो किन स्टेटस वालों का भेजा जाएगा और कब भेजा जाएगा, कितने छात्रों को भेजा जाएगा, सारी अपडेट आ चुकी है ऑफिशियल। यूपी गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल अप्रूवल मिल चुका है। तो गुड न्यूज़ है, आपके खाते में जल्द पैसा आने वाला है। क्या अपडेट है, चलिए सारी नोटिस को आपको डिटेल में पढ़ के समझाता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर लोग देख सकते हो अमर उजाला के न्यूज़पेपर में ये अपडेट आई है। दो अपडेट है, एक असीम अरुण जी जो आपके समाज कल्याण विभाग मंत्री है, उन्होंने भी ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से बताया है। दोनों चीज़ों को बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखना। 3 लाख छोटे छात्रों को होगी शुल्क भरपाई, 3 लाख और 33,000 अलग से जोड़ लो ओबीसी वालों को। अभी देखो, सामान्य ओबीसी अल्पसंख्यक मतलब जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी वर्ग के ये है छात्र, रिजल्ट न आने और डाटा फॉरवर्ड न होने से लाभ नहीं पा सके थे छात्र। समाज कल्याण विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेजा था और वहाँ से अप्रूवल मिल गया है। अब यहाँ पर बोला गया है कि छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई योजना के लाभ से वंचित 3 लाख छात्रों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें चालू वित्त वर्ष मतलब जो ये वित्त वर्ष चल रहा है उसके बजट से भुगतान करने के लिए उच्च स्तर पर सहमति बन गई है। समय से रिजल्ट न आने, शिक्षण संस्थानों के स्तर से डाटा फॉरवर्ड न करने, विश्वविद्यालयों से सीटों का सत्यापन न होने के चलते इन लोगों को पिछले वित्तीय वर्ष में लाभ नहीं मिल सका था। मतलब जो 2023-24 वाला सेशन था, अभी जो मार्च में पीछे अभी जून चल रहा है, तो जो मार्च में स्कॉलरशिप आई है उसमें जिसकी नहीं आई है स्कॉलरशिप, ओबीसी एससी माइनॉरिटी की, जिनका रिजल्ट ना फॉरवर्ड होने की वजह से, इनरोलमेंट की वजह से और डाटा नॉट वेरीफाइड की वजह से पैसा नहीं आया था, स्टेटस रिजेक्ट हो गया था, उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनका पैसा भेजा जाएगा। और पूरे 3 लाख छात्र हैं ओबीसी जनरल माइनॉरिटी के मिला के। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो इसी न्यूज़ में यहाँ पर नीचे लिखा गया है, समाज कल्याण विभाग ने भुगतान का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, हालांकि इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट लेगी। तो कैबिनेट जो इसमें बोला जा रहा है न्यूज़ में कि अंतिम निर्णय कैबिनेट लेगी, ये भी निर्णय हो चुका है क्योंकि ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से ट्वीट भी आ चुका है। तो चलिए मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो असीम अरुण जी ने जो कि समाज कल्याण विभाग मंत्री हैं, इन्होंने यहाँ पर अपडेट दी है कि 38,000 छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति, योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर इन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया है। देखो उस न्यूज़ में जो मैंने बताया वहाँ पर 3 लाख का प्रस्ताव भेजा गया था गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ने 3 लाख को घटा के सिर्फ 38,000 लोगों को इसमें मंजूरी दी है। तो मतलब 38,000 छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी। और यहाँ पर लिखा भी जा रहा है कि योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और असीम अरुण जी जो कि आपके समाज कल्याण विभाग मंत्री है, इन्होंने ऑफिशियली बोल दिया। तो मतलब ये 100% श्योर हो गया कि 38,000 जनरल ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्रों का पैसा आएगा। एससी वालों का तो भेज दिया गया, तो एससी वालों की बात इसमें नहीं हो रही है। यहाँ पर बोला भी गया है, ये चीज़ें आप लोग पढ़ भी सकते हो, अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में बैंक अकाउंट ट्रांसफर में त्रुटि होने, परीक्षा परिणाम देर से आने या अन्य कारणों से वंचित छात्रों को दी जाएगी छात्रवृत्ति। अनुसूचित वर्ग के छात्रों को पूर्व में जैसे छात्रवृत्ति दी गई थी वैसे अब ओबीसी वालों और जनरल वालों और अल्पसंख्यक वालों को पैसा दिया जाएगा। तो ये दोनों न्यूज़ मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो। बाकी आगे कोई और अपडेट आएगी तो यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट आपको देता रहूँगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट नहीं दे रहा था। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।